आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, आज का हमारा क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैथोड रेज इज 0.1c। ठीक है, कैथोड रेज के अंदर आपको बोला गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके 0.1c है, जहां पे c क्या है, c यहां पे आपके पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, एंड आपको लगा व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20,000 वोल्ट देयर वेलोसिटी इज फाउंड टू बी 8.4 × 10⁻⁷ मीटर × सेकंड इनवर्स। आपको लगे कि अगर हम इन्हें जो है 20,000 वोल्ट वोल्टेज से जो अगर इनको एक्सेलरेट कर देते हैं तो आपके पास जो वेलोसिटी आपको जो फाउंड होती है वो आपको फाउंड होती है 8.4 × 10⁻⁷ मीटर × सेकंड इनवर्स। ठीक है, एंड आपको लगे व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको लगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो है उसके अंदर जो परसेंटेज इंक्रीज आएगा, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, ये आपको बताना है। ठीक है, सो और आंसर सो देखिए यहाँ से आपके पास जो आपको पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया आपको परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है वो देख लेते हैं। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में दिया गया है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, सॉरी क्या दिया गया है आपको, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास यहाँ से आ गई, कितनी दी गई आपको 0.1c। ठीक है, एंड सी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 0.1 इंटू सी की वैल्यू यहाँ से आपको दे दी गई है 3 × 10⁸। ठीक है, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए आप जो है 10⁻¹ को अलग कर लीजिए और उसे 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 10⁻⁷ एंड ये हो जाएगा 1। ठीक है, सो आपके पास आ गया 3 × 10⁷ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो यहाँ से आप देखिए और आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में, आपको दिया गया देखिए फाइनल वेलोसिटी आपको दे दी गई है। ठीक है, जब हमने उसे 20,000 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तब आपके पास वेलोसिटी कितनी आई, 8.4 × 10⁷ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए अब आपके पास जो है आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट मीन्स आपको फाइंड करना है यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास डेल्टा के, ठीक है, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, इसके अंदर आपको परसेंटेज इंक्रीज जो आपकी इंक्रीज जो है काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आपको परसेंटेज फाइंड करना तो आपके कितना जाएगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज में छत क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ से देखिए आपको पता काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपके पास। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपके होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ पे मास है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, वो कितना आ गया आपके पास ½mv². ठीक है, सो यहाँ से देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ये कितना हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, सो आप लिख सकते हो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, सो यहाँ से देखिए अब हम जो है इनकी वैल्यू जो है यहाँ से पुट करवा देंगे सबकी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ½m तो दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रॉन ही है दोनों केसेज में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया ½mv final² माइनस ½mv initial² डिवाइडेड बाई ½mv initial² ठीक है, सो यहाँ से देखिए आपके पास जो आप ऊपर से जो है ½mv² जो है कॉमन ले लीजिए, सो आपके पास ½m कॉमन आएगा, ध्यान रखना ½m कॉमन ले लिया आपने, सो अंदर आपके पास बच गया v final² माइनस v initial का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर
माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आप क्या सोच गया हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या सोच गया प्लस हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से देखिए हाफ एम जो आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखना आप जो 100 जो आपको मल्टीप्लाई भी करना है लास्ट में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये चाहो तो आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 को, वो जहाँ परसेंटेज इंक्रीज पूछा ना आपको, ठीक है। सो आप चाहो तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर चाहो तो आप जो है यहाँ पे साथ के साथ इसको यहाँ से लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस साथ लेके चल रहे हो तो आपको जो है 7% का साइन भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो हमने जो है हम इसको यहाँ पे साथ लेके चल रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। सो हमने जो है एंड यहाँ से देखिए आपके पास जो है क्या हो जाएगा हाफ एम एंड हाफ एम जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आपका सोच गया वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी इनिशियल का होल स्क्वायर, ठीक है। सो वी फाइनल की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो आपको दी गई है देखिए 8.4 ये दी गई ना आप अभी आपको, ठीक है, ये आपके पास रही वी फाइनल की वैल्यू 8.4 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। एंड ये आपके पास रही वी इनिशियल की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया 8.4 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई, मैं इसलिए यूनिट यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज यहाँ पे दोनों की यूनिट आएगी वो कॉमन हो जाएगी एंड नीचे वाली जो यूनिट है वही वेलोसिटी की है तो वो यूनिट तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से हम लिखते हैं अब डायरेक्ट जो है, ठीक है, एंड इस सबका क्या यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान रखना क्या है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर है ना सबका, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई आपको लिखनी है इनिशियल का होल स्क्वायर, ठीक है। सो वी इनिशियल के लिए आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से देखिए ये कितना बन गया आपके पास, ये तो आपके पास बन जाएगा 70.56 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस ये आपके पास बच गया 9 इंटू 10 टू द पावर 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय बटन क्या बच गया आपके पास 9 इंटू 10 टू द पावर 14, ठीक है। सो अब देखिए हम जो है ऊपर वाले से जो है 10 पावर 14 जो है कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ पे आपका पता है 100 जो है साथ में चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, 100 क्या कर रहा है यहाँ पे साथ के अंदर चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास हो गया ये आपके पास हो गया देखिए 10 की पावर 14 हम कॉमन लेंगे तो 10 की पावर 14 इससे उठ जाएगा ऊपर कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ से आपके पास हो गया 70.56 माइनस 9 डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास हो गया 9, ठीक है, एंड इंटू 100%, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास बच गया ये कितना बच गया आपके पास, ये आपके पास बच जाएगा 61.56 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100%, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास परसेंटेज इंक्रीज कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा देखिए ये आपके पास हो जाएगा 6.84 इंटू 100%, ठीक है। सो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 684%, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज 684%। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।